हेलो गाइस, क्या हालचाल। तो एक मैम है, वो 22nd को अपनी नई क्रेटा ऑटोमेटिक की डिलीवरी लेके घर आई, नई गाड़ी को लेकर घर आई। एंड 23rd की इवनिंग को मैं तो लड्डूज एक्सपेक्ट कर रहा था, बट उनका मैसेज आया कि यार सुनील, लेफ्ट रियर टेल लाइट के नीचे थोड़ा सा पेंट चिप हो रखा है और उनका ध्यान अभी गया। एंड शी वॉज प्रिटी श्योर कि वो चिपिंग जो है उनके थ्रू नहीं हुई है, वो गाड़ी बेसिकली उनको हैंड ओवर ही उस चिपिंग के साथ हुई है। अब शी वॉज आस्किंग कि क्या कर सकते हैं। वेल, नॉट लॉट, बिकॉज आप गाड़ी लेके घर आ गए, नाउ यू कांट गो बैक एंड क्लेम डीलर कि आपकी वजह से हुआ। यू कैन ओनली रिक्वेस्ट हिम कि मे बी उनके थ्रू हो सकता है हुआ होगा, अभी ध्यान गया कस्टमर का, एंड प्लीज़ फिक्स इट। एंड देन रेस्ट डीलर के ऊपर डिपेंड करता है, ना आपकी कॉन्वर्सेशन निगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या रिजल्ट उसका आउटकम निकल के आता है, दोनों पार्टी किस चीज़ पर एग्री करती हैं। बट उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम है गाइस, बेसिकली मिस्टेक हुई है मैम की तरफ से, उन्होंने PDI प्रॉपर नहीं किया अपना, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आप अपना हार्ड एंड मनी पुट कर रहे हो, एक कार घर लेके आ रहे हो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, आप उसमें रोज कम्यूट करने वाले हो, तो यू शुड। और ऐसा भी नहीं कि आप रोज़ रोज़ जाके गाड़ी खरीदते हो, इट्स लाइक लाइफ में आप ऑन एन एवरेज इंडिया में तो पब्लिक एक ही गाड़ी खरीदती है, इवन इन अपर मिडिल क्लास इट्स 2 or max 3 कार्स इन होल लाइफ टाइम। तो यार, जिस गाड़ी को लेके आप अगले 3, 5, 6, 7 साल चलाने वाले हो, तो कुछ घंटे तो आप इजिली उस गाड़ी के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, चेकिंग इट आउट कि सब कुछ ठीक है कि नहीं बिफोर ब्रिंगिंग इट होम। तो गाइस, चलिए समझ लेते हैं कि PDI प्रोसेस कैसे करना चाहिए, जो इंस्पेक्शन है उसको कैसे करना है, कब करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, बिकॉज ट्रस्ट में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। एंड ये जो है एक अपॉर्चुनिटी देता है डीलरशिप को कि कुछ माइनर यहाँ वहाँ प्रॉब्लम्स हैं या छोटी छोटी चीज़ें हैं गाड़ी को, तो वो बिना रेक्टिफाई किए या उसका बिना कॉस्ट इनकर किए वो गाड़ी को पुश कर देते हैं कस्टमर की तरफ। तो ये PDI प्रॉपरली करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो परचेस प्रोसेस में होता क्या है, आपकी गाड़ी बुक करने के बाद जैसी गाड़ी फैक्ट्री से डिस्पैच होती है डीलरशिप के लिए, आपको एक अपडेट आता है फ्रॉम कंपनी साइड कि आपकी गाड़ी डिस्पैच हो गई है। एंड देन कुछ 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद, जैसी वो गाड़ी डीलरशिप को रिसीव होती है, डीलरशिप आपको एक अपडेट भेजता है कि आपकी गाड़ी नॉर्मली डीलर के पास रिसीव हो गई है। एंड दे ऑल्सो कॉल यू एट द शोरूम सो दैट फाइनल पेमेंट आप रिलीज कर सको एंड फाइनल जो भी पेपर वर्क वगैरह वो कर लें, सो दैट दे कैन ऑल्सो मूव अहेड विद द RTO रजिस्ट्रेशन। अब कई बार क्या होता है कि कुछ डीलर जो है इसी टाइम पे जब आपको बुलाया जाता है फर्स्ट टाइम शोरूम पे, जब उनको आपकी गाड़ी रिसीव होती है, तो वो ऑफर करते हैं आपको कि आप जाके अपनी गाड़ी चाहें तो देख सकते हैं। अगर नहीं भी ऑफर कर रहे हैं तो गाइज, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इंसिस्ट योर डीलरशिप कि जब तक आप गाड़ी को एक बार चेक नहीं कर लेते हैं प्रॉपरली थरोली, तब तक आप पेमेंट रिलीज नहीं करेंगे, साइन वगैरह नहीं करेंगे, बेसिकली विल नॉट प्रोसीड विद द फर्दर प्रोसेस। ये मेक इट अ पॉइंट, कई बार डीलर्स जो होते हैं वो आपको 10 बहाने देंगे कि बंदे अवेलेबल नहीं है, यार्ड काफ़ी दूर है, अभी वहाँ पे कोई है नहीं दिखाने वाला, जो भी है आप दोनों मिलके बेसिकली एक टाइम डिसाइड कर लो कि कब उसके लिए भी सारी चीज़ें राइट हैं, आपके लिए भी आपके पास भी टाइम है, एंड जाके गाड़ी चेक करिए। मेक देम वेरी क्लियर कि विदाउट डूइंग प्री इंस्पेक्शन आई विल नॉट साइन ऑन चेक, या फिर मैं पेमेंट रिलीज नहीं करूँगा। तो एक बार जब आप डीलर के यार्ड में पहुंच गए या फिर जहां पे भी गाड़ी आपकी खड़ी वहां पे पहुंच गए, तो करना क्या है, सो आई एम गोना टेल यू द प्रोसेस, क्या क्या पॉइंट्स चेक करने हैं आपको, इसको आप चाहिए नोट डाउन कर सकते हैं या फिर उस समय जाके वीडियो वापस देख लीजिएगा एक एक करके। सो चलिए एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस करने की, क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आप बॉडी पैनल्स चेक करेंगे गाइज अपने कार का। करने का सिंपल तरीका है, आप अपना हाथ रखिए बॉडी पैनल्स पे, जैसे कि बोनेट हो गया तो बोनेट पे रखिए, एंड देन स्लोली उस पर मूव करिए। अगर गाड़ी पे थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह लगी हुई है तो उसको पहले जो बंदा है आपसे उसको बोल दीजिए, थोड़ा कपड़े से थोड़ा मार दीजिए, साफ कर दीजिए, सो दैट यू कैन चेक कि हाँ कहीं पर कुछ स्क्रैच वगैरह नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो अपना हैंड मूव करिए एंड यू कैन फील द स्मूथनेस, अगर कहीं पर अनइवन लग रहा है तो उसको आप ध्यान में रखिए। पॉइंट आउट जो आपके साथ बंदा है डीलरशिप का कि देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत अनइवन लग रहा है मुझे। एक बार जब आप सरफेस चेक कर लेंगे थोरूली एंड आपके साथ कोई और है, लेट्स से आपके फ्रेंड है या कोई और फैमिली मेम्बर है, तो उनको ही बोलिए सेम चीज़ करने के लिए आपके पीछे पीछे, हो सकता है आप स्किप करें बट कोई और पकड़ लें। तो इट्स बेटर टू नॉट गो अलोन, बट साथ में एक दो लोगों को और लेके जाएं, सो दैट कुछ स्किप ना हो आपकी नज़रों से।
तो एक बार जब आपने पूरा बॉडी पैनल चेक कर लिया, देन लुक एट द पैनल गैप्स गाइस। जो आपके गैप्स होते हैं पैनल में, उनकी जो यूनिफॉर्मिटी है, गैप्स जो है मोस्टली एक जैसे होने चाहिए, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, मतलब लेफ्ट साइड में आपका गैप कम है राइट साइड में ज़्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए आइडियली। कहीं भी ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो अगेन नोट इट डाउन, पॉइंट इट टू द पर्सन कि देखिए यहाँ पे गैप्स ज़्यादा हैं। एक बार वो चेक हो गया, देन चेक द पेंट, पेंट में कहीं पे चिपिंग वगैरह तो नहीं है, कहीं पे फेड वगैरह तो नहीं हुआ या ब्रश तो नहीं हुआ है, ऐसा ये चेक कर लीजिए। एक बार ये हो गया, देन चेक योर रूफ गाइस। कई बार ये होता है क्या, हम आजू बाजू से सब चेक कर लेते हैं बट रूफ छोड़ देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा हाइट में होता है, वहाँ पे हमारा आई साइट प्रॉपर नहीं पहुँचता है। तो अगेन आजू बाजू ईंट वगैरह पड़ी तो रख लीजिए उसके ऊपर चढ़ के, बट देन रूफ को भी प्रॉपरली चेक करिए। एक बार रूफ चेक हो गया, देन उसके बाद गाइज आपको अंडर बॉडी चेक करना है। अंडर बॉडी में भी आप चेक करने के लिए बेसिकली थोड़ा बहुत डर्टी होगा, इट्स ओके, क्योंकि गाड़ी ट्रक से उतरी है कहीं पे एक पॉइंट पे, वहाँ से चल के आई है, वहाँ यार्ड में खड़ी, तो थोड़ा बहुत डर्ट एक्सेप्टेबल है। बट देन जस्ट चेक कि कहीं पे कुछ डेंट वगैरह तो नहीं है, कुछ स्क्रैच वगैरह तो नहीं लगा, जैसे पत्थर वत्थर से कहीं घिसा तो नहीं है, एंड देन रस्टिंग वगैरह तो ज़्यादा नहीं हो रही है कहीं पे। रस्टिंग इज अ साइन कि गाड़ी पानी वगैरह में कहीं पे रही है, या फिर वाटर लेवल टच हुआ है गाड़ी के अंडर बॉडी को, तो ये रिप्रेजेंट करता है। कहीं पे ऐसा कोई साइन तो नहीं दिख रहा है कि पानी वानी लगाओ, तो उस चीज को चेक कीजिए। एक बार वो हो गया, हाँ थोड़े कपड़े गंदे होंगे तो इट्स ऑल राइट, लेट जाइए जमीन पे, चाहिए तो मोबाइल का टॉर्च ओपन करिए एंड चेक करिए थर थरोली। एक बार जब ये सब पार्ट्स चेक हो गए, देन यू मूव टू द ग्लास सेक्शन। जो विंडो के ग्लास हो गया, आपका फ्रंट विंडशील्ड हो गया, बैक का जो ग्लास हो गया, पूरे ग्लासेस जो गाड़ी के हैं वो सारे चेक कीजिए, कहीं पे कोई क्रैक तो नहीं है माइनर या मेजर, कहीं पे चिपकिंग वगैरह तो नहीं है, उन सब पे ध्यान दीजिए। इनफैक्ट आपके जो रियर व्यू मिरर्स हैं उनको भी चेक करिए कि वो सारे क्लीन है कि नहीं। एक बार गाइस जब ये सब एक्सटर्नल पार्ट्स चेक हो गए, देन यू मूव इनसाइड। गाड़ी लीजिए, की रहती है बंदे के साथ, अंदर जाइए। पॉलिथीन वगैरह लगा हुआ होता है तो वो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आप अगेन अंदर भी जो प्लास्टिक पैनल्स होते हैं, जो मोस्टली प्लास्टिक के रहते हैं पैनल्स, वो सारे चेक कीजिए, वहाँ पे कहीं कोई ब्रशिंग तो नहीं है, स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, सब पैनल गैप्स जो अंदर भी हैं डैशबोर्ड वगैरह पे सब प्रॉपर हैं कि नहीं, कहीं पे कोई ऐसा लूज पैनल तो नहीं है, जस्ट बेसिकली पुश करिए डैशबोर्ड को, कहीं पे कुछ दब तो नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा हिल तो नहीं रहा है। ये सब चेक, ग्लव बॉक्स वगैरह चेक कर लीजिए कि हिंज वगैरह प्रॉपर तो है कि नहीं, स्टीयरिंग का भी एक बार हल्का सा रोटेट करके देखिए कि कुछ आवाज़ वगैरह तो नहीं आ रही है, गियर बॉक्स वाला जो एरिया होगा, जो सेंटर कंसोल हो गया, तो सब कुछ चेक कर लीजिए। उसके बाद अगेन आप इनसाइड से भी एक बार अपने सारे ग्लासेस को चेक कर लीजिए कि सब ठीक है कि नहीं। उसके बाद आप बेसिकली गाड़ी ऑन करके जस्ट चेक द इंस्ट्रूमेंट पैनल की ऑल द साइंस एंड एवरीथिंग इज प्रॉपर। जो इंस्ट्रूमेंट पैनल का ग्लास हो गया, जो आपका इंफोटेनमेंट सेंटर है उसके जो ग्लास वगैरह है वो प्रॉपर है कि नहीं, वहाँ पे जो आपका फिटिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं, एंड देन कोई जो आपकी LCD स्क्रीन है उसमें कहीं पे डेड पिक्सल्स तो नहीं है, कहीं पे कलर फेड तो नहीं हो रहा है, और ये चेक कर लीजिए। सारे इलेक्ट्रिकल्स चेक कर लीजिए एक बार गाड़ी ऑन करके, एंड AC चालू कर लीजिए, देख लीजिए कुछ साउंड वगैरह तो नहीं आ रहा है। पेट्रोल नहीं है तो अगेन बंदे को दे दीजिए 100 रुपये, बोलिए यार थोड़ा पेट्रोल डालो, चेक कर लेते हैं, या फिर परमिशन लेके आइए डीलरशिप से निकलते समय कि भैया मुझे थोड़ा पेट्रोल चाहिए, मुझे एक बार गाड़ी ऑन करके देखनी है। तो सारे इलेक्ट्रिकल्स चेक कर लीजिए सब ठीक ठाक है कि नहीं, लाइट्स चेक कर लीजिए प्रॉपर जल रही हैं कि नहीं, सारे जल रही हैं कि नहीं। उसके बाद गाइस कम टू द सीट फैब्रिक। आई नो पॉलीथीन कवर्स वगैरह चढ़े होते हैं, फिर भी अगर जितना हो सकता है आपको अगर नहीं निकालना है तो भी एक बार चेक करिए कि कहीं पे वहाँ पे तो नहीं घिसा विसा तो नहीं है, या फिर कहीं पे फटा वगैरह नहीं है पॉलीथीन सीट कवर, सारा प्रॉपर है कि नहीं। एंड देन चेक द अंडर बॉडी, द फ्लोर ऑफ द कार फ्रॉम इनसाइड, कि वहाँ पे कहीं कुछ गीला वगैरह तो नहीं है। हाथ लगा के प्रॉपर सीट के नीचे भी हाथ वगैरह डाल के चेक करिए कि जो प्रॉपर लाइनिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं, कहीं कुछ गीला वगैरह तो नहीं है, या फिर रस्टिंग तो नहीं हो रही है कहीं पे इनसाइड, सब प्रॉपर है कि नहीं। एंड ओडो भी ध्यान से चेक कर लीजिएगा कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, इट शुड नॉट बी मच, मतलब 10-15 किलोमीटर एक्सेप्टेबल है कि नॉर्मली जहाँ से आपकी गाड़ी ऑफ लोड होती है वहाँ से यार्ड में आना एंड थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं चली होनी चाहिए, वो नोट कर लीजिए। वो डिलीवरी लेते टाइम चेक करिएगा कि उसके बाद भी गाड़ी और कितनी चली है। अननेसेसरी गाड़ी ट्रेवल नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि अगर यार्ड से आपका शोरूम 5 किलोमीटर है तो डिलीवरी लेते टाइम जो आपका ओडो का डिफरेंस है इट शुड नॉट बी मोर देन लेट्स से 5-10 किलोमीटर्स।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो भी आपने प्रॉब्लम्स फाइंड किए हैं वो ले जाके डीलरशिप पे जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसको बताइए, जो मैनेजर है उसको क्लियरली मेंशन करिए ऐसा ऐसा है, एंड सी व्हाट सॉल्यूशन दे आर ऑफरिंग। सो मेक श्योर गाइस कि जो भी इश्यूज आपने डीलर को नोटिफाई किया है, उसने जो भी सॉल्यूशंस बताए हैं वो सारे जो हैं वो डीलर आपको रिटर्न में लिख के दे कि ऐसे ऐसे हुआ, आपके इश्यूज को सॉल्व करके देने वाले हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ये आप रिटर्न में लीजिए, सिर्फ वर्बल अश्योरेंस पे मत जाइएगा। दिस इज अ लीगल प्रूफ फॉर यू कि डीलर ने ऐसा ऐसा प्रॉमिस किया है। एक बार ये हो गया, देन नेक्स्ट स्टेप आता है गाइज, वो है डिलीवरी का। जब आप डिलीवरी लेने जाएंगे, लेट्स से डीलर ने आपको कॉल किया दोपहर के 1 बजे, गाइज प्लीज 10 बजे पहुंच जाइए, एक दिन की छुट्टी ले लीजिए अपने नॉर्मल काम से, 10 बजे पहुंच जाइए 1 बजे की डिलीवरी के लिए। जाके आपको करना क्या है पहले? जो आपने फर्स्ट पार्ट में इंस्पेक्ट किया था, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पार्ट में जो भी हमने डिस्कस किया था इंस्पेक्ट करना है, हर एक चीज का फोटो एंड वीडियो ले लीजिएगा गाइज अपने मोबाइल में। दिस इज योर प्रूफ कि गाड़ी किस कंडीशन में थी उस टाइम पे, प्लस अभी जब आप अपनी गाड़ी डिलीवरी लेने जाएंगे, जस्ट मैच कि सब कुछ वैसा ही है, कुछ चेंज तो नहीं हुआ है गाड़ी में। वी हैव सीन द एग्जाम्पल कि जब गाड़ी स्टार्टिंग में डीलर के पास रिसीव हुई थी तो वो किसी और टायर के साथ थी, एंड जब गाड़ी डिलीवर हुई तो बेसिकली टायर्स चेंज हो गए थे। तो बेसिकली जल्दी पहुंच के हमें वो सारी चीज़ें वापस क्रॉस चेक करनी कि गाड़ी सेम कंडीशन में है कि नहीं, सब कुछ वैसा ही है, एंड जो डीलर ने प्रॉमिस किया था वो उसने प्रॉपरली किया है कि नहीं। ये सब आपको गाइज अगेन थोड़ा टाइम लगेगा, बट वापस गो थ्रू करना है, वापस अगेन सारे बॉडी पैनल्स वैसे ही चेक करने हैं, सारे गैप्स वैसे ही चेक करने हैं, पेंट चेक करना है, ग्लासेस चेक करने हैं, इंटीरियर्स चेक करना है, इलेक्ट्रिकल्स चेक करना है, देखना है सब कुछ प्रॉपर फंक्शन हो रहा है कि नहीं, एंड उसके बाद ही आप जाके डिलीवरी का प्रोसेस चालू करवा। मतलब फूल वूल लगाते हैं लोग, सजाते हैं गाड़ी को, एंड देन लाके शोरूम में बाहर खड़ा करते हैं। इस पहले आप ये सब काम कर लीजिए, उसके बाद डीलर को बोलिए कि हाँ अब आप इसको प्रिपेयर करिए डिलीवरी के लिए, जब आप सेटिस्फाइड हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। होता क्या है कि कई बार आप जब वो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करके आते हैं, जब गाड़ी रिसीव होती है, उसके और आपकी गाड़ी के डिलीवरी के बीच में भी गाड़ी यहाँ वहाँ ट्रेवल करती है एक आधा बार, या कहीं कुछ लग गया किसी से, कहीं पेंट लग गया, पेंट चिप हो गया, स्क्रैच लग गया, तो वो सब चीज़ें देखना जरूरी है गाइस। जैसा कि यहाँ पे मैम के साथ हुआ था, मोस्ट प्रॉब्ली वो बेसिकली जो चिप था वो बिफोर डिलीवरी कहीं लॉजिस्टिक में गाड़ी लाने ले जाने में, या फिर उसको पॉलिश वॉलिश करते समय कहीं भी किसी ने बेसिकली थोड़ी सी नेग्लिजेंस दिखाई होगी, जिसकी वजह से लगा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको वापस चेक करनी है, एक बार आप जब सेटिस्फाइड हैं, गिव द डीलर गो अहेड, एंड देन आप जाके अपनी गाड़ी ले लीजिए। सो ये एक प्रोसेस है गाइज, 2 पार्ट में उसको आपको फॉलो करना है। डीलर आपको ऑफर नहीं भी कर रहा है ये प्रोसेस फॉलो करने की, तो उसको इंसिस्ट कीजिए कि आपको करना है, तभी आप गाड़ी लेने के लिए आगे जाएंगे। एंड आप थोड़ा सा इंसिस्ट करेंगे तो नोबडी विल डिनाई यू, बेसिकली आपका राइट है। याद रखिए, यू आर द कस्टमर, यू आर पेइंग देम, तो ये आपका राइट है टू इंस्पेक्ट द कार बिफोर बाइंग इट प्रॉपरली। आप इनफैक्ट कुछ डाउट आ रहा है तो आप अपनी गाड़ी को चला के भी देख सकते हैं गाइज। रिमेंबर, यू कैन गो टेक इट फॉर अ टेस्ट ड्राइव, नोबडी विल स्टॉप यू। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगर हमने कुछ मिस कर दिया पॉइंट, या अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट या क्वेश्चन है, तो जाइए कमेंट सेक्शन में लिखिए, विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर वीडियो को पसंद आया तो थम्स अप देना मत भूलिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो जाइए उस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, बेल आइकन को भी ठनका दीजिए, सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड। आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय।